हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 4.4। कल हमने एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 का 1 सम किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो सम है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 99,305 if one of them is 39,586 find the other। तो हमें क्या करने का, इसमें भी हमें पहले फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर माइनस करने का है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो 5 में से 6 नहीं जाता है, और 5 के आगे क्या है, 5 के पीछे क्या है, वो 0 है। तो हम 0 में से तो कुछ नहीं ले सकते हैं। तो हमने जो 3 है उसमें से 110 ले लिया, तो 3 का हो गया 2, और 5 का 15। 5 में 110 प्लस कर दिया तो 15। तो 15 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, 9। ठीक है, और फिर आए, फिर जो 0 है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब डिजिट के आगे 0 है तो वहाँ पे हमें 9 रख देने का है, और जो वहाँ पे इसके आगे 10। तो 9 से माइनस हो गया 8, तो 1। फिर 3 में से हमने 110 ले लिया, तो इसका हो गया 2। 2 में से तो 5 नहीं जाता है, तो इसके आगे से हमने 110 ले लिया, तो 2 का हो गया 12। 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। अब यहाँ पे रह गया 9 में से 110 ले लिया था तो 8 बच गया, तो 8 में से 9 नहीं जाता, तो इसके आगे जो 9 है इसमें से हमने 110 ले लिया तो हो गया 18। और 9 का 8 हो गया था तो हो गया 18। 18 में से 9 जाएगा तो 9, और 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो यहाँ पे हमने ये सम कर दिया। तो जो मैंने लिखा है आके, वो आपको भी लिखने का है कि सम ऑफ अदर नंबर सब लिखा है ना, वो लिखने का है। तो फिर है आगे सम नंबर 3, व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 84,405 टू गेट 36,595। तो यहाँ भी हमें माइनस ही करने से आए, फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को, तो हमने ये माइनस करके मैंने दिखा। आपको भी ऐसे दो जो डिजिट है इसके बीच में प्लेस रखने की है, पास पास में नहीं लिखने का है, नहीं तो आपकी वो काम करने में गलती भी हो सकती है। तो यह हमने मैंने लिख के दिखाया है, देखो कि 5 में से 5 गया तो 0, इसके आगे 0 है तो 0 में से तो कुछ नहीं जाएगा, तो हमें इसके आगे से वो लेने का है 10। 4 में से 10 ले लिया हमने तो 10 ऊपर रख दिया 0 के ऊपर, 10 में से 9 जाएगा तो 1। फिर 4 में से 1 ले लिया था तो 13 हो गया, 3 हो गया, तो 3 में से तो 5 नहीं माइनस हो सकता, तो इसके आगे 4 है उसमें से 110 ले लिया तो 3 का 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8। और फिर 4 में से 110 ले लिया था तो 4 का 3 हो गया, तो 3 में से तो 6 नहीं माइनस हो सकता, तो इसके आगे 8 है उसमें से 110 ले लिया तो 8 का हो गया 7, और 3 का हो गया 13। 13 में से 6 जाएगा तो 7, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। ये हो गया हमारा सम नंबर 3 फिनिश। अब सम नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड टू 49,497 and 97,329। तो ये भी मैंने माइनस करके दिखाया है कि 9 में से 2 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर 2 में से तो 9 नहीं माइनस हो सकता, तो इसके आगे 3 है, वहाँ से हमने 110 ले लिया तो 2 हो गया, 2 का हो गया 12। 12 में से 9 जाएगा तो 3, और इसके आगे जो 3 है
उसमें से हमने 110 ले लिया था तो हो गया 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 7। हाँ वो यहाँ पे हमने 2 हो गया था तो 2 में से तो 4 नहीं माइनस हो सकता, इसीलिए आगे जो 7 है उसमें से 110 ले लिया था तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 7 में से 110 ले लिया था तो 16 हो गया तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4, तो ये हो गया सम नंबर 4। अब हम आ गए सम नंबर 5। और यहाँ पे जैसे मैंने आंसर लिखा है ना ऐसे आपको भी लिखने का है कि 47,832 शुड बी एडेड, ऐसे आपके आपको लिखने का है। अब आगे है सम नंबर 5। बाय हाउ मच इज 27,930 लेस देन 40,675। तो हमें एपी माइनस ही करने का है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करने का है, तो यहाँ पे है 5 के नीचे 0 है तो 5 का 5 आएगा, 7 के नीचे 3 है तो 4 आ जाएगा, फिर है 6 तो 6 में से 9 माइनस नहीं होगा, और इसके आगे 0 है तो वहाँ से हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे 4 है वहाँ से हमने एक 110 ले लिया तो 6 का हो गया 16, उसके आगे 0 इसके इसीलिए इसके ऊपर 9 रखने का है तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, एंड 9 में से 7 जाएगा तो 2, 4 का हो गया था 3 क्योंकि हमने एक 110 ले लिया था तो ये हो गया 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं कि 27,930 इज लेस देन 40,675 बाय 12,745। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। ऐसे ही आपको जैसे मैंने आंसर लिखा है ऐसे आपको भी आंसर लिखने का है, ऐसे ही सम करके रखने देने का है, नहीं तो आपके मार्क कम हो जाएंगे। फिर है सम नंबर 6 एंड लास्ट। हाउ मच मोर इज 2 लाख देन 43,752। तो हमें सबसे पहले ये सोचने का है कि देखो यहाँ पे एक ही नंबर दिया है लेकिन क्या लिखा है 2 लाख, तो 2 लाख मतलब कितने जीरो आते हैं वो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो 2 लाख मीन्स 2 और 5 0, तो सबसे पहले हमें क्या करने का है 2 और 5 0 रख देने का है, और फिर उसमें लिखा है कि हाउ मच मोर, तो हमें वो इसके बाद जो नंबर दिया है वो हम 2 लाख में से माइनस करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैंने बोला है ऐसे 2 और 5 0 रखने का है, और इसके नीचे जो दिया है 43,752 वो रख लेने का है, लेकिन याद रहे राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड से स्टार्ट करने का है, सबसे पहले 2 लिखने का है फिर 5 7 3 एंड 4, कभी भी राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड नहीं लिखने का है लेकिन राइट साइड से लेफ्ट साइड तक नंबर लिखने का है, नहीं तो आपका वो काउंट आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आगे बताया था ना कि सब 0 है तो सबसे पहले वो फिगर 1 जो नंबर है उसमें से डिजिट है उसमें से 110 ले लेने का है, तो यहाँ पे 2 है इसमें से हमने 110 ले लिया तो इसके ऊपर रख दिया 1, और जिसके जितने 0 है उस पे आगे क्या लिखने का है 9, वो भी मैंने बहुत टाइम आपको बताया है। तो यहाँ पे कितने 0 है टोटल 5 है, तो सबसे पहले हमें 10 रखने का है, बाकी सब 4 में 9 9 9,
अब हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड लिखने का है। सबसे पहले 2, 5, 7, 3, 4, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 9 में से 4 जाएगा तो 4 और 1 का 1, तो ये आंसर आ गया 2 लाख इज़ मोर देन 43,752 बाय 15, 1,56,248। ये हो गए हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। आगे फिर करेंगे। थैंक यू।